अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, कौमी टीम के साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज यूनस खान की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई। दोस्तों, वालदा गुर्दे नकारा होने के सबब डायलिसिस पर थी। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद डिस्कशन करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कौमी टीम के साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज यूनस खान की वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई। दोस्तों, साबिक टेस्ट क्रिकेटर के मुताबिक इनकी वालदा गुर्दे नकारा होने के सबब डायलिसिस पर थी। दोस्तों, इन्हें डायलिसिस के लिए ही अस्पताल दाखिल करवाया था। दोस्तों, जहां आज उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, खानदानी जराए के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। दोस्तों, यूनस खान ने 13 फरवरी 2000 को बैनुल अक्वामी करियर का आगाज कराची में श्रीलंका के खिलाफ एक रोजा सीरीज से किया। दोस्तों, जहाँ इन्होंने 46 रन बनाए थे। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यूनस खान ने 26 फरवरी को अपने करियर का पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेला। दोस्तों, वो अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई। दोस्तों, यूनस खान ने 118 टेस्ट मैचों में 34 सेंचुरियां स्कोर की। दोस्तों, यूनस खान के लिए कोई अच्छा सा जुमला हमें कॉमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप क्रिकेट की मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।